इफ एट ऑल थोड़े से बेहतर रहते हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से, हम हमारा अनुमान है तो जीएनपीएस में हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है। क्या ये फिर से रिट्रेस करेगा अपने प्रीवियस हाईस को, और क्या 875 के आसपास या फिर 900 के नीचे अभी भी एक अच्छा और डिसेंट बाय है ये स्टॉक? करेक्ट। और हर्षिता, हम ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओवर पेसिमिज्म हो गई है इन बैंकिंग स्टॉक्स, और आपको पता है दे आर ओवर ओन बोथ बाय लोकल म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन एफआईआईज, साथ में कुछ ईटीएफ रिलेटेड बैंक फंड्स थे जिन्होंने कोलैटरल डैमेज की वजह से लिक्विडेशन बहुत की है, और हमें पता है कि इन दिस एनवायरनमेंट बैंक्स विल बी द लूजर्स बिकॉज ऑफ द मार्केट। लेकिन मैं सोचता हूं अगर ये पेडिग्री नाम आपको मिल रहे हैं तो किसी कारण के वजह से आपको ये 40% नीचे मिल रहे हैं। HDFC, ICICI, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये चार नाम होंगे जो मैं 16 हफ्ते के लिए बोलूंगा सिप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 16 हफ्ते में सारी वॉलिटिलिटी कैप्चर हो जाएगी एंड देन वी विल सी द रिकवरी। और आपको पता है आज की डेट में जैसे जैसे कासा रेशियो ग्रो करेगा, PSU सेलेक्ट लार्ज कैप PSUs एंड सेलेक्ट प्राइवेट बैंक, दे विल गेट द लायंस शेयर ऑफ द डिपॉजिट एंड क्रेडिट एक्सपेंशन व्हेन द बेटर टाइम्स कम इन द नेक्स्ट मंथ। तो ये चार नामों में यू मस्ट डू अ सिप फॉर 16 वीक्स, देन ओनली यू विल रियली सी वेल्थ गेट क्रिएटेड ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। देखिए, और मैं वो डेटा पॉइंट्स इनफैक्ट निकाल कर बैठी हूं कि FY09 में जो Q4 में हिट आया था तब ईयर ऑन ईयर करीब करीब इनके रेवेन्यूज में 10% तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो क्या Q1 इतना खराब हो सकता है, क्या उसको आज भापने की कोशिश स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगी, या फिर जो पॉजिटिव इस कमेंट्री में आए हैं उस पर बाजार की ज्यादा नजर रहने वाली है, अप्रोच क्या हो स्टॉक पे? गुड मॉर्निंग हर्षिता, आपको भी और हेमंत को भी, और आपने सही टिप्पणी की। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक और उस समय आपको याद है फाइनेंशियल क्राइसिस, सबसे जिसको ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, वाज एट इट्स हेल्प, और TCS वॉज एन अंडर परफॉर्मर, और आज वही सिमिलर आपको माहौल दिख गया है, मे बी वर्स, बट आई थिंक TCS हैज मैच्योर्ड अ लॉट आफ्टर दैट। और मुझे लगता है कि रुपया उस समय हैड यू नो वाज वो पैरेलल, वो 48-49 था, आज रुपया 76.5 है, और अगर आपने रुपया के अगेंस्ट एक क्वालिटी स्टॉक लेना है तो TCS इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी। हाउएवर हर्षिता, मुझे लगता है आपकी जो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा और रुपये के लिए बेस्ट केवियट है वो फार्मा है, so I would definitely add TCS in my portfolio in any fall, but my outperformance on sectoral will be pharma. एक तो रुपए का एडवांटेज और साथ में जो चेंज इन एनवायरनमेंट है उससे जो ये न्यू बुल मार्केट जो मैं कह रहा हूँ चलने वाली है उसमें फार्मा विल बी एट द फ्रंट। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखते थे अच्छा पेडिग्री स्टॉक लेने का, यू कांट गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट इनटू TCS देन नाउ। वित्त मंत्री का रहने वाला है, ये बताइए आप क्या बड़ा सुनना चाहते हैं आज RBI गवर्नर से, और क्या NBFCs फिर बाय साइड के रेडार पर रहने चाहिए? पिछले 2 दिनों से हमने देखा इनिशियल लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी इनमें देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल हर्षिता, देखिए इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने जो बैंक्स को मॉरेटोरियम दिया है उसमें आपने NBFCs को शामिल नहीं किया, तो NBFCs आर नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर, दे आर सेइंग एटलीस्ट मेक इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि आप हमसे तो हमारे को मॉरेटोरियम देते नहीं है, लेकिन जो हमसे लेने वाले हैं वो आपने मॉरेटोरियम दे रहा है, तो हाउ कैन यू हैव सच डीप पॉकेट्स। और मुझे लगता है दिस वाज टोटली बायस्ड अगेंस्ट द NBFCs, और आई थिंक आज उसमें बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आनी चाहिए। यू आर राइट, आपने देखा है द वर्स्ट सेक्टर हैज बीन बैंक्स एंड NBFCs, बजाज फाइनेंस 4700 से आज 2100 रुपए का भाव है एंड सो ऑन। पर हमें कल या परसों में हमने 4-5 दिन में मौका लिया है ये बनाने के लिए, कि आपको ध्यान होगा मैंने आपको पिछले एक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से कह रहा था कि निफ्टी विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड, अभी भी मैं आपको दावे से कहता हूं 30,000 का निफ्टी आपको दिखेगा, एंड NBFCs बैंक स्टार्ट टू रिएक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड, ओला फाइनेंस, L&T फाइनेंस, F&M फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये चार दिग्गज नाम है। अगर आप थोड़ी पॉलिटिक्स सह सकते हैं तो अगले 16 हफ्ते के लिए दीजिए, क्योंकि अगर इनमें कोई भी मूवमेंट आई लार्ज पार्ट ऑफ द पेन इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। बिल्कुल, मैं भसीन साहब के पास जाना चाहता था क्योंकि मुझे याद है भसीन साहब को ये शेयर काफी पसंद था, और स्टॉक में करेक्शन के बाद अब देखिए तेजी बनने की शुरुआत हो गई है। भसीन साहब, EIL पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपने और शैल ने बहुत अच्छा पकड़ा है, डिविडेंड यील्ड उसमें इतनी अच्छी है, और अब आपको पता होना चाहिए
कि जितनी हाइड्रोकार्बन और गैस रिलेटेड बिजनेसेस में एक्सपेंशन होगी, ऑल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स गो टू EIL. इट्स अ डेट फ्री कंपनी अलॉन्ग विद NBCC एंड दे बोथ विल बी पियरिंग. आप ये लेके चलिए कि अमरपाली और JP के लिए इन दिस लॉकडाउन NBCC ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्डर ऑलरेडी ऑनलाइन उन्होंने ऑप्शन कर दिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन विल पिक अप इन अ वेरी बिग वे जब हम वापस लाइफ लाइन पे जाएंगे. तो EIL NBCC विल बी एडिशनल बेनिफिशरीज ऑफ दैट. आपको पता है 3 साल से बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रेशर ऑन इनकम ये स्टॉक्स हैव बीन अंडर परफॉर्म, बट अब मुझे लगता है PSUs विल बी वन ऑफ द सेक्टर्स विच विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उनमें आई डोंट रूल आउट के वो एकदम बुल मार्केट में चले जाएंगे. दे विल बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द बुल मार्केट. तो सेलेक्ट आपको जो मिले BEL, BEML, इंजीनियर्स इंडिया, NBCC, गेल, सेल, ये इनकी बास्केट बनाइए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. स्पेसिफिकली PSU बैंक्स, क्योंकि जितना कासा रेशियो का ग्रोथ है वो सब स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इनमें आ रहा है, और इनकी वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है. तो थोड़ा सा हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, लेकिन आई थिंक जो न्यू लीडर्स इस बुल मार्केट में होंगे आफ्टर फार्मा एंड सीमेंट विल बी ऑल्सो PSUs. कंपनियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताइएगा आप, क्योंकि भारतीय कंपनियों में भी गजब की रैली देखने को मिली है. आप कैसे देखते हैं इस खबर को और फार्मा स्टॉक्स को आज कैसे रिएक्शन देखने को मिलेगा? हेमंत जी गुड मॉर्निंग, और पहले तो आपने आज बहुत जच रहे हैं अपने जैकेट Good में morning, sir. और तेजी का रुख अब कायम हो रहा है sir. तो जैसे आपको पहले कहा था एंड ऑफ सितंबर तक 10,000 निफ्टी पे आया ही आया. और दूसरी बात आपने बहुत पॉजिटिव कहा कि देखो इज दिस द फास्टेस्ट मोस्ट ब्रूटल एंड फियर्सेस्ट बेयर मार्केट और द शॉर्टेस्ट बेयर मार्केट, क्योंकि बुल मार्केट भी उतनी फास्ट आई है. सो पीपल आर कंफ्यूज, और जो पेसिमिस्ट है वो रह गए, जो ऑप्टिमिस्ट है वो तो दे आर लाफिंग देयर वे, और मैं उस कैंप में हूं जो कह रहा है कि अभी तो शुरुआत है. दूसरी बात आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि इसके लिए कोई वैक्सीन जब तक बनेगी नहीं, कोई क्योर नहीं है, इट्स मोर साइकोसिंपथेटिक, लेकिन उसके लिए हाइड्रोक्सक्लोरोक्वीन की आपने देखा कितनी डिमांड है, जिसके लिए इंडिया स्टैंडिंग आउट एंड इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स आर नाउ गैदरिंग स्टीम. तो 5 फार्मा स्टॉक्स जो आपको अगर ध्यान है हेमंत जी, हम 2 साल से कहते थे फार्मा फंड में सिप कीजिए, SBI, निपॉन बहुत हमारे प्रिफर्ड नेम थे और वो बहुत अंडर परफॉर्म किए थे, बट लो एंड बिहोल्ड इन दिस 1 month फार्मा बिकम एन आउट परफॉर्मर. और एक सेक्टरल रोटेशन की वजह से अब मुझे लगता है अगले 2 साल फार्मा विल बी वन ऑफ द लीडर्स फॉर द निफ्टी एंड दी अदर इंडस्ट्रीज. तो टॉप 5 शेयर जो हम कह रहे हैं, एक उसमें कैडिला है, इपका लैब, सन, सिप्ला एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब, उसमें आप एक डॉक्टर रेड्डी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 नेम्स कवर ऑल द जेनरिक, द FDA ऑब्जर्वेशन एंड ये जो हाइड्रोक्सक्लोरोक्वीन एंड API प्लेस. फिर भी हेमंत जी मैं अभी भी कहूंगा निवेशकों को कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करें तो गो थ्रू द SBI और निपॉन फार्मा फंड, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रेटेजिकली 10-12 अच्छे शेयर होंगे और फंड मैनेजर उसको 24/7 मॉनिटर करेगा, एंड दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग द फार्मा. बट डोंट मिस द फार्मा रैली बिकॉज आई थिंक इट हैज मच मोर स्टीम. कोविड के समय में कौन कौन सी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं और फार्मा कंपनियों के लिए जो काम करती हैं वो खास तौर पर भागेंगी, क्योंकि ये कामकाज की शुरुआत कर देंगे, और सरकार ने भी देखिए कहा कि आप लोग ओपन करिए और कई कंपनियों ने अपना ओपन करना शुरू किया. स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है ये भी बताइए प्लीज. हाँ बहुत अच्छा आपने टिप्पणी किया. देखो हेमंत जी स्पेशलिटी केमिकल्स हैव मेड अ निश इन देयर ओन और मोर सो बिकॉज ऑफ द चाइनीज फैक्टर, और अभी भी आई थिंक उनके मार्जिन बरकरार रहेंगे इवन दो दे कैन बी अ शॉर्ट टर्म ब्लिप. लेकिन SRF, अतुल, विनती ऑर्गेनिक्स और आरती, ये 4 नाम है, और सुदर्शन केमिकल, ये 4-5 नाम बहुत दिग्गज नाम है. इनके प्रॉफिटेबिलिटी थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं बट दे आर ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप. साथ में हेमंत जी मैं और 2 बात इंडस्ट्री बोलूंगा जो आज भी सारी इस अटकली के बावजूद काम कर रहे हैं, दैट्स द एग्रोकेमिकल मार्केट. आपको याद है रैलीज इंडिया एक मेरा टॉप फेवरेट होता था, शेयर ने आउट परफॉर्म किया है, और अब आपको पता है फूड ग्रेन और फूड खपत की और डिमांड होने वाली है गिवन दिस प्रॉब्लम. और कल हमने UPL पे 2-3 दिन से हमने बाय निकाली है, क्योंकि UPL इंडिकेटेड कि ग्लोबली उनके जितने बिजनेसेस हैं सब फुल कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं. तो एग्रोकेमिकल इज अनदर कोरिलेटेड टू द सैनिटाइजर्स, वो भी
तो यूपीएल रैलीज में भी मैं लोगों को कहूंगा, अगर है तो बने रहिए, नहीं तो और खरीदिए। यूपीएल में ये बहुत ही अच्छा मौका है, इट्स अ ग्लोबल प्लेयर और आई थिंक दिस विल बी अनदर स्पेस विच विल गैदर स्टीम। इसके अलावा हेमंत जी, सीमेंट विल बी अनदर आउट परफॉर्मर, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशंस का कंफर्ट इतना ज्यादा है ऑन लार्ज नेम्स लाइक अल्ट्राटेक, अंबुजा एंड एसीसी, ये मैंने 5 साल में नहीं देखा। और आपको पता है जैसे बिजनेस वापस आएगा, कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, रोडवेज, ये सब पे बहुत रुझान आएगा, सीमेंट विल बी अगेन इन सप्लाई इन डिमांड। एंड थर्डली ऑटोज, जहां हमने देखा है 2 साल का जो हैटस है, अब इट विल कन्वर्ट इनटू वेरी फास्ट मूवमेंट ऑन दी अपसाइड वंस वी गेट थ्रू दिस। और मेरे को लगता है 20 तारीख से उनको भी पीस मील में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर, ये सबको मंजूरी मिल रही है टू स्टार्ट पार्शल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन।